डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3rd हिस्ट्री। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जो रिवोल्ट हुए थे, पीजेंट रिवोल्ट, वो जो जैसे पंजाब में, चंपारण में और जो खेड़ा के अंदर, तो इसके बारे में बताया था। इस हेडिंग के अंदर आज के वीडियो में मैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स बताऊंगा जो 1857 से लेकर के 1919 तक, 1857 से लेकर 1919 तक जो राजनीतिक के ना आंदोलन हुए थे उनके बारे में बताऊंगा। आफ्टर द फेलोर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, के जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ था उसकी असफलता के बाद में 1857 का जो लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और इस जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो नेता लोग थे, केम इन द हैंड्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स, तो वो जो शिक्षित जमींदार थे आधुनिक के, उनके हाथों में, मतलब उनके अस्तित्व में आए। एंड एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी फ्रॉम एंटायर इंडिया, संपूर्ण भारत के अंदर जो भी क्लास थी, ये एरिस्टोक्रेटिक VIPs लोग उनके संपर्क में आए। ये जो सेक्शन थे यूज्ड रिमाइंडर, और ये जो सेक्शन थे इनको रिमाइंडर के रूप में ना यूज किया गया था। लेटर्स है, एप्लीकेशंस है, वो उनकी डिमांड के आधार पर है ना प्राप्त हुई थी, फुलफिल्ड जो कि ना पूरी की गई थी। एंड दे आल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एजुकेटेड क्लास, तो इस प्रकार से एक शिक्षित वर्ग ने व्यवस्थित करने का कार्य है ना वो प्रस्तुत हुआ। और मेक द पीपल अवेयर ऑफ द एट्रोसिटीज, और इस प्रकार से है ना लोग है ना इस पढ़े लिखे और है ना इस बुद्धिजीवी वर्ग के है ना संपर्क में आए। दे वॉन्ट टू गेट द अटेंशन फ्रॉम द मॉडरेट क्लास, और इस प्रकार है ना उनका ध्यान है ना इस आधुनिक वर्ग के ऊपर है ना गया इंग्लैंड के अंदर। और अंडरस्टैंड टू एक्चुअल सीनरीज, और जो इनकी जो वास्तविक जो सीनरीज थी वो भारत के अंदर भी देखने को मिली। अब आता है स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रिनाइसेंस आफ्टर 1858। 1858 के बाद में जो राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ उसका विस्तार, ये इसका हेडिंग है कि जो राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ उसका विस्तार है ना पूरे देश के अंदर कैसे हुआ 1858 के बाद में। इन 1874 ईस्वी के अंदर एक आर्टिकल एंटाइल, एक है ना आर्टिकल प्रकाशित हुआ था जिसको है ना स्वराज या बोले उसको क्रिस्टो दास पाल हु वाज द एडिटर, ये स्वराज्य का जो नारा जो दिया गया था ये क्रिस्टो दास पाल के द्वारा एक एडिशन निकाला गया था न्यूज़पेपर के अंदर जिसका नाम था पैट्रियट। ये पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था बंगाल के अंदर, और इसके बारे में बातचीत की गई थी। एवं प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक संवैधानिक फॉर्म के रूप में सरकार के बाय इंडियंस के, भारतीयों के द्वारा है ना एक संवैधानिक सरकार का निर्माण किया जाए, एंड फॉर इंडियंस इन इंडिया, केवल वो है ना भारतीयों के लिए ही हो सरकार। दूसरा पॉइंट था कि सेवरल स्कॉलर्स, बहुत सारे जो विद्वान थे और इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी लोग थे जो बंगाल से आते थे, फॉर्म्ड द इंडियन लीग इन 1875। इन्होंने 1850 के 75 के अंदर है ना एक इंडियन लीग की स्थापना की। इसका ऑब्जेक्ट था इंडक्स ऑफ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को है ना जागृत करना, एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, और राजनीतिक है ना जागरूकता अमंग द इंडियंस, भारतीयों के अंदर पैदा करना। दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना पहली राजनीतिक संस्था थी विच हैड बीन फॉर्म्ड थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, जिसने है ना जनता को जागरूक करने का काम किया था। अब आता है इंडियन एसोसिएशन जो भारतीय संस्थाएं थी, दिस एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन थी, ये संस्था थी, वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा है ना स्थापित की गई थी
इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था इन 1876 के अंदर इन अल्बर्ट हॉल इन कलकत्ता, कलकत्ता का जो अल्बर्ट हॉल था उसके अंदर अराउंड 800 डेलीगेट्स और लगभग 800 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, 800 लोगों ने इस में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फोरम ऑफ पीपल, और इसने एक लोगों की फोरम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया विद सिमिलर पॉलिटिकल बिलीफ्स, जिसके अंदर एक जैसे राजनीतिक विश्वास थे, एंड विल ऑर्गेनाइज द कॉमन पीपल, और इसने सामान्य लोगों को संगठित किया। अब अगला हेडिंग है इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कांग्रेस जिसके नाम दिया गया था कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना देखिए। इट वाज फॉर्म्ड बाय द एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम के, जिसको ए ओ ह्यूम के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है, कि उसके द्वारा ये स्थापित की गई थी, उसके उसने इसका निर्माण किया था। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था ये, एक अंग्रेज अधिकारी था जो रिटायर था, और इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय जो सिविल सेवाओं का उससे रिटायर ये व्यक्ति था, अंग्रेज था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमाइन एंड गैदर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करना, अबाउट द माइंड सेट ऑफ द इंडियंस, भारत के जो भारतीय लोग थे उनके दिमाग में व्यवस्थित करना, एंड द फॉर्म सच एन एसोसिएशन, और इस प्रकार की एक संस्था की स्थापना करना इन विच, जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स गेट द चांस ऑफ द मीटिंग, कि जो राजनीतिक नेता हैं उनको मीटिंग का अवसर प्राप्त हो सके, एंड एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, और वो अपने गुस्से को जाहिर कर सकें, सो दैट ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड आल्सो प्रिवेंट देम, जिससे ब्रिटिश की जो सरकार है वो उनको सुरक्षा दे सके, फ्रॉम मेकिंग अनइन्फ्लुएंसली एफर्ट्स, और इस प्रकार के प्रयास बनाए जा सकें टू फोर्स शक्ति के साथ कि द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम द कंट्री, और इस प्रकार अंग्रेज देश से बाहर जा सकें। ऑन 28 दिसंबर 1885 और 28 दिसंबर 1885 को इस फर्स्ट मीटिंग बाद हेल्ड, इसकी पहली मीटिंग स्थापित की गई ऑफ द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इन बॉम्बे, बम्बई के अंदर था ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और इसके अंदर प्रेसिडेंटशिप ऑफ द ब्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इन विच 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट, और लगभग 72 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू गिव इन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ द पीपल, के लोगों का सीधा ध्यान दिलवाने के अवसर प्रदान करना था। हुबर एम्प्लॉयड इन द कोर्स ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट, जो राष्ट्र के विकास के कारण के अंदर जिन्होंने अपने आप को एम्प्लॉय किया गया था, जोड़ा था। डिस्कसिंग द प्रोग्राम ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, और आने वाले वर्षों का जो कार्यक्रम था उस पर चर्चा करना था। कीपिंग फुल फेथ, और पूरा विश्वास रखना, एंड लॉयल्टी वफादारी निभाना टुवार्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, एंड अपोजिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल वर्क्स, और जो सरकारी काम थे उनका विरोध करना, विच आर परफॉर्म्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड, जो सिद्धांत के ऊपर खिलाफ हों, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की संसद के द्वारा प्रस्तुत किए गए हों। टू गिव ए सुइटेबल एंश्योर, और इस बात का सुनिश्चित करना कि इस विश्वास को कि जो अंग्रेज थे के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय इंडिया, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भारत के द्वारा ही इलेक्टेड किए जाएं, चुने जाने चाहिए, आर इनकेपेबल टू हैंड टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ताकि वो प्रशासन को अपने हाथों में ले सकें।
ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा द पीरियड ऑफ द कांग्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, और जो कांग्रेस का जो पीरियड था वो है ना दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है 1885 से 1890, 5 साल का कार्यकाल था। द पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल बेगरी, ये सबसे है ना इसका राजनीतिक रूप से है ना एक भिखारी का काल था ये, और 1905 से लेकर 1919, और ये करीब है ना आपका 14 इयर्स का है ना ये पीरियड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, और ये है ना एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का काल था। मतलब इसके अंदर है ना लोगों ने है ना नए नए है ना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये उसका काल था। अब आते हैं लीडर्स ऑफ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के जो लीडर्स थे उनमें हम बात करते हैं, तो इसमें पहला था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाको, व्योमेश एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये तो इसके लीडर थे। इन्होंने इंटरप्रेटेड देयर पॉलिटिक्स, और इन्होंने राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप किया एज द फसन ऑफ द लिबरलिज्म एंड मॉडरेशंस। इनमें स्वतंत्रता के प्रति और आधुनिकता के प्रति इन्होंने ध्यान दिया। दीज पीपल एडवोकेट, इन लोगों ने ये वकालत की इन फेवर ऑफ एंड ऑफ द रिलीजियस, के ना धर्म की समाप्ति का पक्ष लिया इन्होंने, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और है ना जातिवाद का अलगाववाद कभी भी इन्होंने विरोध किया, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और सभी मानव प्राणियों को इन्होंने समान माना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के प्रति भी समान माना सबको, एक्सटेंशन ऑफ द सिविल जो लिबरल्स थे उनके प्रति, और ऑफ द है ना मासोज समूह के रूप में, एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और है ना जो भी प्रतिनिधि वाली जो संस्थाएं थी उनके विकास पर भी इन्होंने जोर दिया। द मॉडरेट वर इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो मॉडरेट्स थे ये ब्रिटिश साम्राज्य की संगठित करने में और उसको व्यवस्थित बनाने के पक्ष में थे ये। दे फियर्ड, क्योंकि इनको ये डर था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लेफ्ट इंडिया, दिस विल बी लेड इनटू मिसमैनेजमेंट। अगर अंग्रेज है ना इंडिया को छोड़ करके चले गए तो यहाँ पर है ना मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब व्यवस्था इसकी खराब हो जाएगी, ऐसा इनको विश्वास था। द ब्रिटिश डू नॉट हैव कम्प्लीट नॉलेज, क्योंकि है ना ब्रिटिश वालों को है ना कम्प्लीट नॉलेज नहीं रखते थे वो, अबाउट वन प्रॉब्लम्स, केवल हमारी समस्याओं के बारे में, मतलब हमारी जो समस्याएं थी उनके बारे में इनको पूरी नॉलेज नहीं थी। सो द मॉडरेट्स गेव मोर अटेंशन, इसलिए है ना मॉडरेट्स ये चाहते थे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। टुवार्ड्स प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है ना ये जो प्रोपेगेंडा थे जो फैलने वाले जो विचारधाराएं थी उनके ऊपर। और कांग्रेस डिमांड, कांग्रेस की ये मांग थी के फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए इंडिया, दे जस्ट डिमांड फॉर सम कंसीडेंस, और उनको है ना कुछ कंसेशन भी मिले, रियायत भी मिले, इस बात के लिए भी उनको ये मांग थी।